तरियानी प्रखंड अंतर्गत मैं अभी यहां पर बरियारपुर गांव में शरीफ नगर पंचायत में मैं अभी यहां पर मौजूद हूं और हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं जो कि युवा वर्ग के यहां पर प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए, जिनका नाम है दुर्गा पासवान। आप बताएंगे मुझे कि आप जो इस बार जो कैंडिडेट के रूप में जो खड़े हो रहे हैं पद पर मुखिया पद के लिए, आप मुझे बता सकते हैं कि आप पहली बार खड़े हो रहे हैं? पहली बार खड़ा हो रहे हैं। आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है, पढ़े लिखे हैं आप? अच्छा, और आप मुझे एक बात बताइए कि अभी जो वर्तमान मुखिया है उसका क्या नाम है? बैजू पासवान जी। उनका पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको पता है, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? अनपढ़। चलिए, आप मुझे बताएंगे कि आपने जो मुखिया पद के प्रत्याशी के लिए जो खड़े हुए हैं, क्या आपके साथ में लोगों का स्नेह प्यार और पंचायत में आपका हर चीज बरकरार है? काफी है, बहुत लोगों द्वारा है आप। चलिए, और आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो ये पंचायत है, जो इसमें जो कार्य हुआ है पंचायत में, आप कहाँ तक खुश हैं? हमारे पंचायत में तो जो हुआ, हमारे गांव में तो होवे नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जहाँ हुआ है वो पता ना हुआ कि ना हुआ, लेकिन हमारे गांव में तो हुआ नहीं है। आपके गांव में काम ही नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नल जल का काम नहीं हुआ? नल जल का हुआ है, नल जल का हुआ है तो बहुत हुआ, आधा छ आठ साफे है, साथ में चल रहा है एकदम। और उसके बाद में नली गली का कुछ नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, नली गली का नहीं हुआ। शौचालय का वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। शौचालय का भी नहीं हुआ, सोख्ता वगैरह कुछ नहीं बना है, नादी उदी कुछ नहीं बना, मुखिया फंड से कुछ नहीं बना है, नहीं बना समिति का फंड से जो बनाया। तो एक बात बताइए कि जनता अगर आपके उम्मीदों पर अगर खरा उतरती है या शरीफ नगर पंचायत की जनता, तो आप अपने पंचायतों को कहाँ तक सवार कर ले जाने की आप उम्मीद रखते हैं, इसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शक को, तमाम जनता को आप बताएंगे? अब मैं आप तमाम दर्शकों के बीच, यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है कुछ यहाँ पर जनता लोग, मैं बारी बारी से इस जनता का मूड और मिजाज को लेकर के मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले कि क्या यहाँ पर जनता का मिजाज है, जो कि तरियानी प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पर जो बरियारपुर गांव में और शरीफ नगर पंचायत की जनता का क्या है मिजाज आप तमाम दर्शकों के बीच? आप बताएंगे सर कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद यादव हुआ, मैं शरीफ नगर पंचायत के वासी हूँ, बरियारपुर ग्राम मेरा घर हुआ और यहाँ जो वर्तमान मुखिया है, वो मुखिया के हम लोग बहुत उम्मीद से बनाए थे ये हम लोगों का आगे कार्यक्रम अच्छा हो, लेकिन ऐसा नालायक मुखिया निकला जो इस पंचायत के अंदर कुछ काम भी किया है तो जो हम लोगों का विरोधी था उसको दिया, और हम लोगों के गांव में एक भी काम उनके द्वारा नहीं हुआ है, और जो भी कुछ किए भी है वो तो पंचायत में किए हैं, दूसरे गांव में किए हैं जहां हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जहां से वोट नहीं आया वहां वो काम किए, और इस गांव में एक भी काम नहीं हुआ है। जो मेरे यहां कुछ रोड का काम हुआ है, नदी का काम हुआ है, वो समिति किया है, लेकिन मुखिया फंड से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। लोग बिल्कुल नाखुश है, उनको यहाँ कोई मुखिया के अगला उम्मीदवार का कोई दबाव नहीं है, ना हम लोगों को मदद करेंगे। अब मैं दूसरे लोगों से पूछता हूँ कि आप बताएंगे कि आपका क्या नाम हुआ? क्या भरत किशोर राय, और इनका जो है कि आप कितना खुश हैं जो अभी का जो वर्तमान मुखिया है उनके कार्यों से? आप बता सकते हैं कि आपका क्या नाम है? सुरेश प्रसाद यादव। सुरेश प्रसाद यादव जी, आप बता सकते हैं कि कितना आपका मतलब क्या तो पंचायत में बजापुर गांव में कोई काम नहीं हुआ। आप बताएंगे आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र राय जी, आप बताएंगे कि आप कहां तक खुश हैं आपके पंचायत में जो काम हुआ है, चाहे अभी का जो वर्तमान मुखिया है उनके कार्यों से आप कहां तक खुश हैं? हम लोग उम्मीद से बनाए जो उन्नत जो खाली कर दिए अलग चलते कुछ काम किए नहीं। इन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस उम्मीद पर हमने यहाँ पर बनाया उनको मुखिया, वह उम्मीदों पर
100% पानी फेरने का कार्य यहाँ पर किया है और इसको लेकर के मैं दुर्गा पासवान को ये सारे लोग यहाँ पर जो है कि जो एकत्रित होकर इनको मुखिया बनाने के ओर अग्रसर है। तो आपके पक्ष में तमाम लोग यहाँ पर है। दुर्गा जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस बार अभी जो है कि जो जो सारे लोग आपके पक्ष में है? सब लोग है, आपको उम्मीद है? शरीफ नगर पंचायत का मुखिया कैसा हो? दुर्गा पासवान जैसा हो। दुर्गा पासवान जिंदाबाद। दुर्गा पासवान जिंदाबाद। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने यहाँ पर देखा और सुना, टेक्नीशियन आलोक गुरु, कैमरा पर्सन मुन्नी झा के साथ मैं मुकेश झा, देखते रहिए ट्रू फैक्ट।